नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस संधारिया भावनगर से और बजट के इस सेकंड वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट 2020 के पहले भी वीडियोस जो इश्यू कर दिए गए और भविष्य में जो मैं इश्यू करने वाला हूं, उन सभी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड जो सहायता मिली है एम्प्लॉयर की ओर से या किसी भी और व्यक्ति की ओर से, तो उसकी टैक्सेबिलिटी की प्रोविजंस क्या की गई है इस बजट 2022 में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दो प्रकार की सहायता हो सकती है कोविड-19 के रिलेटेड। एक तो कोविड-19 से रिजल्टिंग कोई भी इलनेस है जो वो कोविड-19 से रिलेटेड है, ऐसी इलनेस की अगर आप वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको जो पैसे एम्प्लॉयर की ओर से मिल रहे हैं या तो फिर किसी भी और व्यक्ति की ओर से मिल रहे हैं, तो उसके बारे में टैक्सेशन में क्या रिलीफ दी गई है इस बजट में, वो जानते हैं। तो कोविड-19 से रिलेटेड इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए व्यक्ति ने, खुद की ट्रीटमेंट हो या उसके फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट हो, फैमिली किसको गिनी जाएगी वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन खुद की ट्रीटमेंट या तो उसके फैमिली मेंबर की जो ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है उसके बारे में उसने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसका, अगर उसको खर्चा जो है वो किसी और व्यक्ति या एम्प्लॉयर की ओर से चुकाया जा रहा है, तो वो वहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। किस तरह से सेक्शन 17(2) जो है परक्विजिट वाला, उसमें अमेंडमेंट लाया गया है कि एम्प्लॉयर की ओर से ऐसा कोई अमाउंट दिया जाएगा तो उसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा, और सेक्शन 56(2)(10) में अमेंडमेंट लाके वहां से भी ये घोषित किया गया है कि कोई और व्यक्ति जो आपका एम्प्लॉयर नहीं है वो अगर आपको इतना अमाउंट दे रहा है इसी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी वहां पे टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। तो ये हुई ट्रीटमेंट की बात। अभी पहले ये देख लेते हैं फैमिली मेंबर इस सेक्शन के रेफरेंस में क्या मीनिंग है उसका। फैमिली मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट इट इज नॉट रेलिवेंट। वो डिपेंडेंट हो या ना हो, स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज कवर हो गए फैमिली के मीनिंग में, और माता पिता, भाई और बहन वो भी फैमिली में इंक्लूड होंगे, लेकिन वहां पे एक शर्त है कि वो लोग डिपेंडेंट मेनली या हॉली, मतलब कि वो डिपेंडेंट होने चाहिए, आधारित होने चाहिए इस व्यक्ति पे, तो ही वो उसकी फैमिली में माने जाएंगे। कौन? माता पिता, भाई या बहन। ओके, ये हो गई फैमिली की बात। अभी आगे और एक बात करते हैं कि मान लीजिए किसी का निधन हो जाता है और वो निधन होने के बाद उनके फैमिली मेंबर को उनके एम्प्लॉयर की ओर से, मतलब जिसका निधन हुआ है उसके जो एम्प्लॉयर है उसकी ओर से फैमिली मेंबर को कोई सहायता दी जा रही है, या तो एम्प्लॉयर नहीं है ऐसे कोई व्यक्ति की ओर से फैमिली मेंबर्स को कोई सहायता दी जा रही है, अमाउंट दी जा रही है, तो वैसी अमाउंट जो उनको मिल रही है उनकी टैक्सेबिलिटी की क्या प्रोविजन है। तो बजट में ऐसा प्रपोजल रखा गया है कि सेक्शन 56(2)(10) में प्रोविजो इस तरह से कुछ ऐड की जा रही है कि एम्प्लॉयर की ओर से अगर अमाउंट मिल रहा है, मतलब कि एम्प्लॉई जो है उनका उनका कोविड की वजह से निधन हो गया है और वो निधन होने के 12 महीने में, ये काफी महत्वपूर्ण है याद रखिएगा, निधन होने के 12 महीने के अंतराल में अगर उनके फैमिली मेंबर को सहायता दी जा रही है एम्प्लॉयर की ओर से, तो कितनी भी अमाउंट हो वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी वहां पे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति है, उनकी ओर से अगर फैमिली मेंबर्स को सहायता दी जा रही है, तो वहां पे उसकी जो राशि है उसको वहां पे लिमिटेड रखा गया है, वहां पे बोला गया है कि नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, मतलब कि 10 लाख तक चलेगा, 10 लाख से ज्यादा होगा तो यहां पे वो 10 लाख तक ही ये प्रोविजो उसके लिए काम करेगी, अदरवाइज बाद में काम नहीं करेगी। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से मिल रहे हैं 10,50,000, तो ये जो प्रोविजन है वो बोल रहा है कि 10 लाख तक नहीं इसमें वो टैक्सेबल होगा, तो 10 लाख वहां पे कट गए और बाकी बचे 50,000। तो अभी जो सेक्शन 56(2)(10) है वहां पे जनरल प्रोविजन भी ऐसा है कि एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 50,000 होगा तो ही वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा वहां पे,
तो अभी बचा है 50,000, तो 50,000 है वहां तक, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शर्त है कि दूसरी कोई अमाउंट दूसरे किसी की व्यक्ति की ओर से गिफ्ट में नहीं मिली है। यही एक अमाउंट है जो 50,000 रुपया है, और उसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं है उस साल में, तो ये 50,000 रुपया जो ज्यादा मिले हैं उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा और ये पूरा 10,50,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस केस में मिले हैं 10 लाख और उसके ऊपर 75,000 और मिले हैं, तो अभी इस केस में क्या होगा, ये 10 लाख का तो वो प्रोविजो जो अभी प्रपोज किया है वो बचा लेगा, लेकिन उसके ऊपर जो 75,000 की अमाउंट आ गई, तो वो 75,000 की अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है, तो 50,000 से ज्यादा होने की वजह से वो पूरी अमाउंट ही टैक्सेबल गिनी जाएगी। कौन सी अमाउंट? 75,000 वाली, 10 लाख वाली नहीं, 10 लाख तो है ही एग्जेम्प्ट। तो इस तरह से ये प्रोविजन रखा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात कर देता हूं कि यहां पे सेक्शन 56 में ये अमेंडमेंट आने वाला है, उसकी वजह से हमको हरगिज यह नहीं मानना है कि सेक्शन 269ST इसमें ऑपरेट नहीं करेगा। 269ST तो ऑपरेट करेगा ही, मतलब 269ST में ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की ओर से अगर 2 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट अदर देन वाइज अकाउंट पे चेक मिल रही है, मतलब कि मान लीजिए हमारे इस केस में उसको कैश मिल रही है, तो वो जो अमाउंट होगी वो पूरी पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 271DA के अंडर में। तो ये कैश में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो 10 लाख तक की जो राशि हमको मिल सकती है कोविड वाले केसेस में फैमिली मेंबर्स को, वो अगर 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में हो गई तो 269ST भी लग सकता है वहां पे, तो वहां पे केयर करना होगा। वैसे जो उसकी जो पिनल प्रोविजन है 271DA, वहां पे लिखा है कि अगर गुड एंड सफिशियंट रीजन है, कोई उचित कारण है, तो 271DA की पेनल्टी वहां पे नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वो उचित कारण साबित करना काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जो अमाउंट ऐसी मिल रही है एक्स ग्रेशिया वो अकाउंट पे ही चेक से या नेट बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए ही ली जाए। तो इस तरह से पूरा ये प्रोविजन है। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।